Good morning, everyone. Continuing with our next topic, that is impact of non-performing assets. NPAs अगर बैंक के इंक्रीज होते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बैंकिंग सेक्टर के ऊपर और बैंक्स के ऊपर भी. अगर NPAs इंक्रीज हो रहे हैं तो जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबल लिक्विडिटी, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है बैंक्स की, वो बैडली इफेक्ट होती है और ये बहुत ज़्यादा थ्रेट पोज करता है टू द स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन द लॉन्ग रन. जो मेन इम्पैक्ट होता है NPAs का वो क्या है? सबसे पहला रिडक्शन इन प्रॉफिटेबिलिटी. जब जो आपकी एसेट्स हैं वो नॉन परफॉर्मिंग हो गई हैं, NPAs हो गए हैं, तो लॉस हो रहा है एक तरीके से. नॉन रिकवरी NPAs की होने की वजह से आपके जो बैड डेप्ट्स है वो इंक्रीज हो गए. बैड डेप्ट इंक्रीज हो गए तो जो प्रॉफिट्स है बैंक्स का वो डिक्रीज हो गया. तो अब बैंक्स को उसके लिए प्रोविजंस बनाना पड़ता है जिससे फिर दोबारा प्रॉफिट आपका कम हो जाता है और जो अर्निंग है शेयर होल्डर्स की बैंक्स की वो रिड्यूस हो जाती है. नेक्स्ट इज रिडक्शन इन लिक्विडिटी. जो अमाउंट आपकी ब्लॉक हो गई NPAs में उससे आपकी लिक्विडिटी पोजीशन पर भी इफेक्ट पड़ता है. जो फंड्स हैं उसे आप यूज़ नहीं कर सकते क्रेडिट क्रिएशन के लिए क्योंकि वो तो ब्लॉक हो गए NPAs में. तो जो अमाउंट आपकी ब्लॉक हुई है NPAs में वो आपकी लेंडिंग कैपेसिटी जो है बैंक्स की उसको रिड्यूस करती है. जो बैंक्स हैं उन्हें रीपे करना है अमाउंट डिपॉजिट होल्डर्स को जब वो डिमांड करेंगे, लेकिन वही तो आपका लॉस हो गया है. वही अमाउंट तो आपने आगे लोन की फॉर्म में दिया था और वो लोन आपका NPA हो गया है, तो रिकवर बैंक नहीं कर पा रहा है जिससे लिक्विडिटी क्रंच की जो प्रॉब्लम है बैंक्स को वो हो जाती है और वो डिफिकल्टी फेस करते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूज रिकवरी कॉस्ट. बैंक्स ह्यूज एक्सपेंसेस इंकर करते हैं ऑन द रिकवरीज ऑफ NPAs. इसके लिए लिटिगेशन कॉस्ट लगती है, स्टाफ कॉस्ट हो गई, एक्सपेंसेस ऑन ऑक्शन ऑफ प्लेस्ड एसेट्स एक्सेट्रा, जो भी वो स्टेप लेते हैं उनके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लार्ज होते हैं. आपको रिकवरी से उतना अमाउंट नहीं मिलता जितने आपके एक्सपेंसेस हो जाते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है. देन नेक्स्ट इज योर इफेक्ट ऑन ऑनेस्ट बोरोअर्स. कई बार जो बैंक है वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ऑफर कर देता है डिफॉल्टिंग बायर्स को कि आपके जो भी आउटस्टैंडिंग लोन है आप उसे सेटल करो. और इन सेटलमेंट स्कीम्स में क्या होता है कि जो आउटस्टैंडिंग लोन के ऊपर जिस परसेंटेज से आपको इंटरेस्ट देना था आप उससे कम परसेंटेज से इंटरेस्ट देके वो लोन अकाउंट अपना सेटल कर देते हो. इससे जो मोरल है ऑनेस्ट बोरोअर्स का वो इफेक्ट होता है. उन्हें लगता है कि नहीं, हम तो बेनिफिट में नहीं रहे कि हमें तो उतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना पड़ा और दूसरे पर्सन को का लोन अकाउंट सेटल हो गया कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से. देन नेक्स्ट इज योर नेगेटिव इफेक्ट ऑन इमेज ऑफ इकोनॉमी. अगर NPA ज़्यादा हो रहे हैं तो जो फाइनेंशियल सिस्टम है एक इकोनॉमी का उसकी स्टेबिलिटी को भी थ्रेट होता है. जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज हैं, जो क्रेडिट रेटिंग है कंट्री की, उसे वो कम कर देती हैं. तो जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो हेजिटेट करते हैं टू इन्वेस्ट इन सच कंट्रीज. देन नेक्स्ट इज डीमोरलाइजेस द बैंक स्टाफ. NPAs की डर से जो बैंक स्टाफ है वो भी डीमोरलाइज हो जाता है. जो बैंक ऑफिशियल है वो जेन्युइन कस्टमर्स को भी लोन देने से पीछे हटेंगे. देन नेक्स्ट इज इसका अदर इफेक्ट क्या है. कॉन्फिडेंस रिड्यूस होता है डिपॉजिटर्स का बैंक में. बैंक को डिफिकल्टी होती है टू मेंटेन एडिक्वेट कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज पर बेसिल नॉर्म्स. जो आपका मार्केट प्राइस है शेयर्स का बैंक्स का वो रिड्यूस हो जाता है और नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है ऑन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ऑफ बैंक्स. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज मेजर्स फॉर सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ NPAs. बेसिक जो मेजर्स हैं फॉर द सॉल्यूशन ऑफ NPAs उन्हें हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला है प्रिवेंटिव मेजर्स, देन रेमेडियल मेजर्स एंड देन ड्रास्टिक मेजर्स. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? सबसे पहला प्रॉपर वेरिफिकेशन कि जब भी आप लोन किसी को ग्रांट कर रहे हो तो जो बैंक है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रॉपरली वेरीफाई करे, प्रॉपर क्रेडिट रेटिंग उनकी वो चेक करे. नेक्स्ट इज लेस पॉलिटिकल प्रेशर कि जो रूलिंग पार्टी है एज फार एज पॉसिबल उसे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन द बैंकिंग ऑफ द बैंक्स. देन प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल, जब आप लोन सेंक्शन कर रहे हो तो उससे पहले जो बैंक ऑफिशियल हैं उन्हें प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल जो है करनी चाहिए पार्टीज की. प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करो, सिलेक्शन करो बॉरोअर्स का जिन्हें आपने लेंडिंग करनी है, फाइनेंसिंग उनकी देखो,
इकोनॉमिक एक्टिविटी जो वो कर रहे हैं उसे उसमें क्या फाइनेंसिंग के ऑप्शंस वो यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर पोस्ट सेंक्शन मॉनिटरिंग और फॉलो अप होना चाहिए, कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट और डायलॉग मेंटेन करो, बॉरोअर्स से रेगुलरली कॉल करो उनकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंश्योर करो कलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट, बैंक्स को है अपग्रेड जो क्रेडिट अप्रेजल और डॉक्यूमेंटेशन स्किल्स हैं ऑफिशियल्स की थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग करनी चाहिए, देन अवेलेबल करवाओ वर्किंग कैपिटल और अदर नीड बेस्ड फाइनेंस बिना डिले के जहाँ पे भी वारंटेड होता है. नेक्स्ट जो हमारा मेजर्स है दैट इज रेमेडियल मेजर्स कैटेगरी के अंडर, फर्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ सुटेबल रीपेमेंट शेड्यूल. अगर जो आपका बॉरोअर है उसे डिफ़िकल्टी आ रही है उस शेड्यूल से पेमेंट करने में जो आपने ऑलरेडी डिसाइड किया है, तो आप उसे रीशेड्यूल कर सकते हो. सुटेबल उसकी नीड के अकॉर्डिंग आप रीपेमेंट शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो. देन नेक्स्ट इज स्पीडी रिकवरी. स्पीडी रिकवरी के लिए जो बैंक ऑफिशियल है उनके पास प्रॉपर डाटा होना चाहिए कि कितना अमाउंट उन्हें किससे रिकवर करना है. लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट ने इनैक्ट किए हैं स्पीडी रिकवरी के लिए बैंक ओवरड्यूज की, वो उन्हें प्रॉपर फॉलो करने चाहिए. विलफुल डिफॉल्टर्स के केस के अगेंस्ट एक्शन ले, फॉलो अप करें. रिकवरी परफॉर्मेंस जो है कंसर्न ऑफिशियल की उसको क्रिटिकली इवेलुएट करें और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को अप्रोप्रिएटली रिवॉर्ड करें. देन कॉम्प्रोमाइज विद बोरोअर्स. कॉम्प्रोमाइज का मतलब एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट आप बोरोअर से कर सकते हो कि एक कुछ कंसेशन देके आप उससे जितना भी अमाउंट वो रिकवर आप उससे कर सकते हो वो आपको करना चाहिए. देन सेटलमेंट ऑफ केसेस विद डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशंस. जो DICGC है वो गारंटी प्रोवाइड करवाता है बैंक्स को जो उन्होंने लोन दिए हैं उनकी, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन. तो अगर DICGC कवर अवेलेबल है तो जो बैंक है उसे सारी नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी चाहिए DICGC क्लेम के लिए और प्रॉपर फॉलो अप करे वो DICGC ताकि जो क्लेम है वो सेटल एज अर्लियर एज पॉसिबल हो सके और जो आपका NPAs है वो एक सर्टेन एक्सटेंड तक आप उसे रिड्यूस करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके. नेक्स्ट इज ड्रास्टिक मेजर्स. इसमें बेसिकली क्या होता है, जब आपके दोनों मेजर्स जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स और जो हम आपके रेमेडियल मेजर्स की बात कर रहे हैं दोनों मेजर्स से आपको सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो जो बैंक है वो सूट फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ इट्स ड्यूज. केसेस फाइल कर सकता है लोक अदालत में, सिविल कोर्ट्स में, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स में. और जो रिकवरी मैनेजमेंट है उसे बूस्ट मिला है जब इनैक्ट हुआ आपका सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016. यहाँ पे अब जो बैंक्स हैं वो अपने ड्यूज को रिलाइज कर सकते हैं बिना कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स की इंटरवेंशन से. तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अगर इन मेजर्स को सीरियसली इम्प्लीमेंटेड किया जाए तो जो आपकी प्रॉब्लम है NPAs की उसे सॉल्व किया जा सकता है. देन जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज सजेशंस क्या है फॉर रिड्यूसिंग NPAs. NPAs की प्रॉब्लम को कम करने के लिए आपको ब्रांच वाइज अमाउंट वाइज एज वाइज जो NPA की प्रॉब्लम है उसे स्टडी करना चाहिए. देन लोन रिकवरी पॉलिसी को प्रिपेयर करो, स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करो ताकि NPAs को रिड्यूस किया जा सके. स्पेशल रिकवरी सेल्स आप क्रिएट कर सकते हैं एट हेड ऑफिस, रीजनल एरिया ऑफिस, क्रिटिकल ब्रांचेस को आइडेंटिफाई कीजिए रिकवरी के लिए. टारगेट जो है रिकवरी का वो फिक्स कीजिए. टाइम बाउंड एक्शन प्लान को बनाइए. कॉपरेशन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, को बैंकर्स का, रिकवरी कैंप्स के लिए, रिकवरी ड्राइव्स के लिए आपको लेना चाहिए. करेक्टिव स्टेप्स आपको लेने चाहिए जहाँ भी नेसेसरी है जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक्शन प्लान. और ओरिजिनल प्लान में भी आप चेंजेस कर सकते हैं अगर रिकवरी ऑफ डेप्ट आप इजिली और जल्दी करना चाहते हैं NPAs की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. देन ट्रेन कीजिए अपने बैंक ऑफिसर्स को फॉर फास्ट रिकवरी ऑफ लोन्स. अवार्ड दीजिए, प्रमोशन दीजिए गुड बैंक ऑफिसर्स को जो सेंक्शन कर रहे हैं लोन आफ्टर प्रॉपर क्रेडिट अप्रेजल, जिसकी वजह से जो NPAs हैं वो कम होते हैं. तो इसके साथ ये जो हमारा चैप्टर है NPAs का वो कंप्लीट होता है. यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है जैसे what are NPAs, what are the causes of emergence of non-performing assets, suggest measures to solve the problem of non-performing assets. ये KU 2018 में ये क्वेश्चन आया हुआ है. तो इसके साथ ये जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है पेमेंट बैंक्स एंड ई बैंकिंग इन इंडिया, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.